हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आपको बड़ी खबर बताएंगे। इंटर परीक्षार्थियों के अनिवार्य विषय की परीक्षा 13 फरवरी के जगह 9 फरवरी को होगी। 7 दिवसीय दौरे पर 9 फरवरी को बिहार आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत। बिहार में सोमवार से खुलेंगे 39,000 सरकारी और निजी स्कूल, सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। 16,000 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को जल्द मिलेंगे 25,000 रुपए। राज्य में बजट सत्र से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार। साथ ही बताएंगे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 डॉक्टरों की होगी संविदा पर नियुक्ति। सड़क हादसों में घायल को अब बिहार में मिलेगी तत्काल मदद। फिर बड़ी खबर बताएंगे, सबसे बड़े अस्पताल का नीतीश कुमार 8 फरवरी को करेंगे शिलान्यास। 50 से ज्यादा उम्र के 27 करोड़ लोगों को मार्च से टीके लगेंगे। मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए BSEB ने दिया एक और मौका। साथ ही आपको बताएंगे राज्य में मौसम विभाग का 10 फरवरी तक अलर्ट। सड़कों पर बैनर या होर्डिंग लगाने वाले हो जाए सावधान, दर्ज होगा FIR। बिहार में 10वीं पास के लिए 1,14,000 रोजगार। बिहार से नेपाल के लिए जल्द शुरू होगी ट्रेनें। और फिर अंत में आपको बताएंगे SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए निकली बम्पर बहाली। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे, और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। आज की सबसे बड़ी खबर, इंटर परीक्षार्थियों के अनिवार्य विषय की परीक्षा 9 फरवरी को होगी। बोर्ड ने माना गलती से एडमिट कार्ड में 13 फरवरी दर्ज हो गया है। जी हां, इंटर के जिन परीक्षार्थियों ने भाषा विषय 2 के तहत किसी एक विषय को अनिवार्य विषय के रूप में चुना है और उनके एडमिट कार्ड में गलती से परीक्षा की तिथि 13 फरवरी दर्ज है, उनकी परीक्षा 9 फरवरी को पहली पाली में होगी। बोर्ड की ओर से इसको लेकर सूचना जारी कर दी गई है। समिति ने केंद्राधीक्षक को, नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी कर सूचित कर दिया गया है। बोर्ड ने माना तो गलती से उनके एडमिट कार्ड में 13 फरवरी दर्ज हो गया है। मौसम विभाग का 10 फरवरी तक अलर्ट। पटना में रविवार को रहेगा कोहरा। बिहार के पश्चिमी जिलों में गिरेगा रात का तापमान। बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग ने 10 फरवरी तक कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। रविवार को पटना, गया, नवादा, वैशाली सहित बिहार के सभी हिस्सों में मध्यम और घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं की वजह से सुबह शाम मौसम सर्द बना रहेगा। पहाड़ों पर होने वाली लगातार बर्फबारी और दिल्ली उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में होने वाली बारिश की वजह से बर्फीली हवाओं का प्रभाव बिहार के तटवर्ती क्षेत्रों में दिखाई देगा। सबसे बड़े अस्पताल का नीतीश कुमार 8 फरवरी को करेंगे शिलान्यास। एम से बेहतर होगी सुविधा। जी हां, PMCH में बनने वाले 5,462 बेड के नए अस्पताल का शिलान्यास 8 फरवरी को किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि करीब 7 साल में अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इमरजेंसी भवन के ऊपर हेलीपैड की सुविधा होगी ताकि आपात स्थिति में यहां एयर एम्बुलेंस को उतारा जा सके। यहां 500 बेड के ICU की भी सुविधा होगी। साथ ही गांधी मैदान में PMCH को जोड़ने के लिए NIT तक डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। एलिवेटेड रोड बनने से यहां आने वाले मरीजों को जाम से निजात मिल जाएगी। बजट सत्र से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रियों के नाम तय, जल्द होगी घोषणा। जी हां, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सब बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सब कुछ तय है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। भाजपा, जदयू व अन्य सहयोगी पार्टियों के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। भाजपा कोटे के मंत्रियों के नाम भी लगभग तय है। साथ ही बजट के बारे में उन्होंने कहा कि माताओं और नवजात का भी विशेष ख्याल बजट में रखा गया है। खासकर कामकाजी महिलाओं को सभी शिफ्टों में काम करने की अनुमति के साथ ही उनकी सुरक्षा को विशेष प्रावधान की बात कही गई है। बजट में किसानों और गांवों को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र को मिलने वाले क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16 लाख कर दिया गया है। 16,000 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को जल्द मिलेंगे 25,000 रुपए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए शिक्षा विभाग ने 40 करोड़ के सहायक अनुदान की स्वीकृति देते हुए राशि विमुक्त कर दी है। इस राशि से स्नातक उत्तीर्ण 16,000 छात्राओं को 25,000 की राशि जल्द ही दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि 2020-21 के लिए स्नातक उत्तीर्ण करने वाले
बालिकाओं की प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में 200 करोड़ का उपबंध उपलब्ध है। इसमें से प्रथम किस्त के रूप में 26 करोड़ की प्रथम किस्त दी जा चुकी है। अब 40 करोड़ विमुक्त किए गए हैं। 7 दिवसीय दौरे पर 9 फरवरी को बिहार आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत 7 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वे 9 फरवरी को पटना आएंगे। बिहार में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वे 15 फरवरी को वापस जाएंगे। बिहार दौरे में संघ प्रमुख कई बैठकों एवं कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पटना एम्स के समीप बन रहे सेवा सदन का भूमि पूजन करेंगे, साथ ही मुजफ्फरपुर के नवनिर्मित संघ कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। सड़कों पर बैनर या होर्डिंग लगाने वाले हो जाए सावधान, दर्ज होगा एफआईआर और देना पड़ेगा अच्छा खासा जुर्माना। जी हां, बिहार में सड़कों पर अगर किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाया तो उनके खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन पर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। सड़कों की हालत देखते हुए इस बात की घोषणा पत्र निर्माण विभाग ने की है। विभाग की अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर आरोपियों ने खोदी तो उसे ठीक कराने में जितने रुपये खर्च होंगे वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा। बिहार में 10वीं पास के लिए 1,14,000 रोजगार, हर माह मिलेंगे 5,000 रुपये। जी हां, सरकार ने 10वीं पास 1,14,000 लोग के लिए रोजगार सुनिश्चित कर दिया है। पंचायती राज विभाग की योजना के तहत अब हर घर नल जल योजना के संचालन करने वाले अनुरक्षक को हर महीने 5,000 रुपये दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग की बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद योजना के क्रियान्वयन के लिए पंचायत के वार्ड स्तर तक निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अब हर माह राज्य के 1,14,691 वार्डों में चयनित अनुरक्षक को 2,000 रुपये मानदेय दी जाएगी और घर घर से वसूली गई राशि में से 3,000 रुपये मिलेंगे। बिहार से नेपाल के लिए जल्द शुरू होगी ट्रेनें, इन रूटों पर होगा परिचालन। जी हां, बिहार से नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है। अब जल्द ही मधुबनी के जयनगर से नेपाल के कुर्ता के बीच रेल सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए ट्रेन रूट और पटरी से जुड़े कार्य लगभग पूरे भी कर लिए गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इंडियन रेलवे द्वारा जल्द ही कुर्ता और जयनगर के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए बीएसईबी ने दिया एक और मौका, 6 से 12 फरवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, 9वीं के स्टूडेंट जो मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं उनके लिए बिहार बोर्ड ने एक और मौका दिया है। वे अब 6 से लेकर 12 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी पर रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा होगा। वहीं जिन स्टूडेंट का फी जमा नहीं हो पाया है वह भी इस अवधि में फी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए नियमित विद्यार्थी को 220 रुपये देने होंगे जबकि स्वतंत्र छात्रों के लिए शुल्क 320 रुपये रखे गए हैं। पेमेंट ऑनलाइन होगा, इसीलिए बोर्ड के साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 0612223207 पर मदद के लिए स्टूडेंट कॉल कर सकते हैं। सड़क हादसों में घायल को अब बिहार में मिलेगी तत्काल मदद, जानिए क्या हुई व्यवस्था। सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति में तत्काल मदद मिले इसके लिए मददगार समिति का गठन किया जाएगा। सभी जिलों में यह कमेटी काम करेगी। पहले चरण में पटना जिले के 10 सर्वाधिक दुर्घटना वाले जगहों पर यह समिति तैनात रहेगी। समिति में स्थानीय 10 लोगों को शामिल किया जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, संकल्प ज्योति संस्था और सेफ्टी अलायंस के संयुक्त तत्वाधान में यह टीम बनी है। यह टीम तत्काल घायलों को निकट के अस्पताल में इलाज में भर्ती कराएगी और लोकल थाना व अस्पताल को सूचना देगी। योजना के तहत सोसाइटी में 4-5 सक्रिय लोगों को सदस्य बनाया गया है और इन्हें गुड समेटिन लॉ के बारे में जानकारी दी जा रही है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 डॉक्टरों की होगी संविदा पर नियुक्ति,
452 लैब टेक्नीशियन भी होंगे बहाल। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर 1000 डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी। इन पदों पर राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों से पास आउट MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। उन्हें हर महीना 65,000 का मानदेय मिलेगा। इसके अलावा प्रशासनिक पद वर्ग समिति संविदा पर लैब टेक्नीशियन के 452 पदों पर नियुक्ति पर भी विचार कर रही है। लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति कोरोना महामारी को देखते हुए की जानी है। बिहार में सोमवार से खुलेंगे 39,000 सरकारी व निजी स्कूल, सरकार ने जारी किया गाइडलाइंस। जी हां, बिहार के करीब 39,000 सरकारी और निजी विद्यालय सोमवार से खुल जाएंगे। छठी से आठवीं तक के इन सभी स्कूलों की हर कक्षा में रोजाना अधिकतम 50% बच्चे ही आएंगे, शेष 50% बच्चे अगले दिन स्कूल जाएंगे। हालांकि रोज शिक्षकों की 100% मौजूदगी रहेगी। इसके गाइडलाइन में स्कूल खुलने के पूर्व और बाद की तैयारी को भी स्पष्ट किया गया। स्कूलों में साफ सफाई की सुविधा, डिजिटल थर्मामीटर, साबुन आदि की व्यवस्था विद्यालय शिक्षा समिति करेगा। स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल कैंपस की रोजाना सफाई करनी होगी। स्कूलों में बाहरी वेंडरों के प्रवेश पर रोक रहेगी। बच्चे घर से पका हुआ लंच लाएंगे। स्कूल में पानी एवं साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए। कुंडी, डैशबोर्ड, बेंच, डेस्क को निरंतर सैनिटाइज करना होगा। स्कूल बसों को रोजाना 2 बार सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को कहा गया कि वे हमेशा फेस मास्क को लगाकर रखें, एक दूसरे से मास्क की अदला बदली ना करें, आपस में भोजन साझा नहीं करें। अगली बड़ी खबर, 50 से ज्यादा उम्र के 27 करोड़ लोगों को मार्च से टीके लगेंगे। देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण मार्च से शुरू होगा। इसमें दो तरह के लोगों को टीका लगेगा, पहले जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, दूसरे जिनकी उम्र 50 साल से तो कम है लेकिन उन्हें गंभीर बीमारी है। सरकार का अनुमान है कि देश में 27 करोड़ लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते से या इसके बाद टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में दी है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 2 करोड़ से अधिक फ्रंट लाइन वर्कर को टीका लगाया जा रहा है, इसलिए तीसरे चरण के निश्चित तारीख की घोषणा करना अभी मुनासिब नहीं है। उम्मीद है कि मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद तीसरा चरण शुरू होगा। और अंत की बड़ी खबर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 5 फरवरी से शुरू हो गया है। इसके साथ ही परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन भी 5 फरवरी को ही जारी किया गया है। SSC परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 मार्च 2021 तय की गई थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन की डेट आगे बढ़ने के बाद आवेदन की लास्ट डेट भी बढ़ सकती है। वहीं SSC MTS 2020 की पेपर 1 का आयोजन 1 से 20 जुलाई 2021 तक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन करने वाले कैंडिडेट की उम्र 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके साथ ही जो इस चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि रोजाना बिहार के ताजा अपडेट आपके मोबाइल में मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।